हाँ तो भाई कैसे हो सभी। अब आप सबको तो पता है हनी पाई जी के काफ़ी इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट वगैरह भी शूट हुए हैं मिर्ची यूएई में, चूँकि दुबई वगैरह में शूट हुए थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं, ड्रॉप नहीं हुए हैं। उसमें से एक ही हुआ था जिसको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन जो मेन और भी पॉडकास्ट वगैरह थे उसकी मेरे पास भाई काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वगैरह आई हैं, जिनको मैं आपको चेक करा देता हूँ। और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑफिशियल जो इंटरव्यू है ना वो अभी भी ड्रॉप नहीं हुआ है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, हनी पाजी ने काफ़ी कुछ रिवील करा है और बड़ा इंटरव्यू है, चेक करो ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हनी पाजी के फैन हो, बातचीत होने के बारे में होती है इस चैनल पे। या कोई कह रहा नहीं हो गया, कोई कह रहा कम बैक करना चाहता, मैं एक्चुअली कम बैक नहीं करना चाहता, मैं जो किया वही दोबारा करना चाहता हूँ। मैं रेवोल्यूशन लेकर आया था और जब तक अब दोबारा रेवोल्यूशन ही लाऊंगा मैं घर नहीं बैठूंगा इंशाल्लाह। कि मैं कम बैक तो कहूंगा ही नहीं अपने आप को, क्योंकि मैं अगर 5 साल गायब रहा तो मैंने ये देखा कि रेडियो पे तो मैं चल ही रहा था, टीवी पे मैं दिख ही रहा था, यूट्यूब पे भी मैं चल रहा था, पापा कह रहे रॉयल्टियां भी बहुत आ रही थी, तो मैं तो चल ही रहा था, तो कम बैक तो हो ही नहीं सकता। तो एक रेवोल्यूशन ही हो सकता है दोबारा, तो उसकी एक कोशिश है, सारे दोस्तों की सपोर्ट है, माँ बाप की दुआएं हैं, ऊपर वाले का साथ है। मेरे को थोड़ा सा फेक पिछले करना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने किसी और को फ्लाइंग किस देते हुए देखा है। थैंक यू पहली बात मेरे बारे में बोली वो भी आपको पता है मैंने देसी कलाकार 2 शूट कर लिया। Why should people hear the Brown soundtrack? क्योंकि ये हम लोग हिंदुस्तान में पले बढ़े हैं और शुरू से मैंने अपनी कजन्स को और अपने आस पड़ोस की लड़कियों को, अपने स्कूल की लड़कियों को फेनस क्रीम्स लगाते देखा और गोरी बनते हुए देखा है। तो उनको ये कॉम्प्लेक्स रहता था कि वो सांवली हैं और वो ब्राउन है और सब कुछ गोरा 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 फिल्म्स में दिखाया जाता था। तो मुझे लेकिन जो ब्राउन स्किन है वो बहुत बेहतरीन लगती थी और बहुत गोल्ड लगती थी और गेहूं रंग बहुत पसंद था, तो दैट्स व्हाई मैंने उस रंग पे ये बनाया। तो एंड आई थिंक एवरी गर्ल हुज देसी हुज ब्राउन even not desi even she is brown yeah. she should listen to this song. Your recent favorite song that you're recent favorite kahani suno mujhe pyar hua ye ladkiyon ki sari nose pakad rakhi hai oh my god mujhe pyar aise bolta na wo sach mein pyar ho jaye pyar hua tha ikrar शिकारी कुड़िये खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। हिट हो गया तो मैं पगड़ी बांध के पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी में घूमता था कि लड़के क्या एक्सेंट में बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। मैं वो सुनता था रात को 2-2 बजे जाके उनकी कैंटीन में, जब वो दारू पीते थे उनके बीच में बैठा, उनको पता भी नहीं होता हनी सिंह उनके बीच में बैठा हुआ है। पहली बार नशा करते हुए एक लड़की को रोल जॉइंट बनाते पहली बार देखा, तो मैंने गाना लिखा था ठहना वीना डोप शो मारे करो, इट्स बेसिकली एंटी ड्रग सॉन्ग, बट उसको मीडिया ने उल्टा कर दिया कि ये प्रमोट कर रहा है ड्रग्स को, लेकिन वो कह रहा है कि ठहना वीना डोप मारेगा करो। तो वो सब मैंने कल्चर देखा और लिखा। तो आज भी मेरी कोशिश ये रहती है कि अब मेरे से 5 साल मैंने काम नहीं किया, मैं घर पे था बिल्कुल, यार जो मैं 10 साल पहले कर रहा था वो तो बाकी लड़के भी बहुत कर रहे हैं, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं 10 साल पहले वो कर रहा था जो 10 साल पहले कोई नहीं कर रहा exactly. तो आज मैं 10 साल बाद वो करना चाहता हूँ जो कोई नहीं कर रहा। भले वो धीरे धीरे समझ में आए जेंजी को कि ये कैसा आदमी है, अजीब सा आदमी है, हार नहीं रहा। और लकीली ऊपर वाले ने मेरे को सपोर्ट दिया कि मेरी फैन फॉलोइंग जो है वो मेरे एक परिवार की तरह है, वो जबरदस्ती लड़ते हैं और कहते नहीं सुनो अच्छा है ये, इस आदमी ने ये किया था ब्लूटूथ के टाइम पे, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो वो सपोर्ट करते हैं, तो वो लकीली मेरा एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। क्योंकि यू कम एंड ड्राइव हियर? नो आई डोंट ड्राइव एट ऑल, मैं पहले ड्राइव करता था स्पोर्ट्स कार्स होती थी हिंदुस्तान में और नया नया पैसा कमाया था ना पंजाबी हम लोग, सबसे पहले गाड़ियां खरीदते हैं, उसके बाद देखते बैंक में कुछ पड़ा, उसके बाद देखते प्रॉपर्टी कुछ ली भी नहीं ली। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एक अपना, मैंने 9 साल फिल्म सिटी में काम किया है नोएडा में। आई शो यू वन वीडियो मैन, इट्स क्रेजी वीडियो मैन, वॉच दिस, वॉच दिस, इट्स 10 इयर्स बैक इन दिल्ली। Oh, baby. 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 O
and we love Dubai. Yeah! Fuck LA. We are okay. In our India, baby. This is JP. हम ये किसी गाने की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से. कोई गाड़ी वाला गा रहा है. 240 में गए हम लोग. Oh my god. हम लोग ये चलाते थे ये. Oh my god, that's so scary. इधर ट्रक खड़ा, उधर वो खड़ा, उधर वो खड़ा है ऐसे. Oh my god. Yeah. ये सब नहीं कर रहा. अभी और चलाते हैं. That's nice. 40 knots. Oh yeah. आपको बताना है ये कौन से गाने हैं आपके. ठीक है. हम अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट में जाएंगे ऑन एयर. ठीक. वैसे वो आपको एक किस तरह का रहने वाला कॉन्टेस्ट. नहीं नहीं, उसी टाइम मत. हम लोग रेडियो में बोलते हैं ना, ऑन स्पॉट गोल्ड स्पॉट. प्लीज.